फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सर्वेज कंडक्ट हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ऊपर एक सवाल दिया गया होता है और नीचे उसके 2, 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं। मैं मिसाल देता हूं कि ऊपर एक सवाल दिया गया होगा कि इस वक्त दुनिया का मकबूल तरीन लीडर कौन सा है। नीचे या तो 4 फ़ोटो दिए गए होंगे या फिर 2, 4 या 5 ऑप्शन होंगे बाय नेम। तो उस सर्वे का एक टाइम फिक्स किया जाता है, वो 1 दिन होगा, 2 दिन चलेगा या 3 दिन चलेगा। जितने दिन उस सर्वे का टाइम फिक्स किया गया होगा, जब उस सर्वे का टाइम ख़त्म होगा तो उसके बाद उस सर्वे का रिज़ल्ट परसेंटेज की फॉर्म में आ रहा होगा कि इतने फ़ीसद लोगों ने इस शख्स को इस वक्त दुनिया का मकबूल तरीन लीडर करार दिया है, इतने फ़ीसद लोगों ने इस शख्स को मकबूल तरीन लीडर करार दिया है। ये सर्वे 2 तरीक़ों से कंडक्ट किए जाते हैं। पहला तरीका इसका यह है कि ऊपर एक सवाल दिया जाता है कि इस वक्त दुनिया का मकबूल तरीन लीडर कौन सा है। नीचे 4 मुख्तलिफ पॉपुलर लीडर्स जो हैं उनकी पिक्चर्स को अपलोड कर दिया जाता है या 2 पिक्चर्स को अपलोड कर दिया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि ऊपर सवाल दे दिया जाता है कि इस वक्त दुनिया का मकबूल तरीन लीडर कौन सा है। नीचे 2 से 5 तक ऑप्शंस दे दिए जाते हैं बाय नेम के फ़लाँ नामी शख्स, टॉप 5 लीडर्स जो हैं उनके नाम दे दिए जाते हैं। और जब उस सर्वे का आप टाइम फिक्स करते हैं, वो जब सर्वे का टाइम मुकम्मल होता है तो उस सर्वे का जवाब जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में आ रहा होता है कि इतने फ़ीसद लोगों ने इस शख्सियत को इस वक्त दुनिया का पॉपुलर लीडर करार दिया है, इतने फ़ीसद लोगों ने इस शख्सियत को दुनिया का पॉपुलर लीडर करार दिया है। और नीचे टोटल आ रहा होता है कि टोटल इतने बंदे इस पोल में, इस वोटिंग में शामिल हुए हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपने YouTube चैनल के ऊपर इस ज़बरदस्त किस्म के वोटिंग पोल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अगर आपने कभी वोटिंग पोल क्रिएट नहीं किया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज की वीडियो में हम आपको सारा तरीका बताएंगे कि आप अपने YouTube चैनल के अंदर कैसे एक ज़बरदस्त किस्म का वोटिंग पोल क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन वोटिंग के लिए या अपने यूट्यूब चैनल पर एक ज़बरदस्त सा पोल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने अपना YouTube चैनल लॉगिन करना है। उसके बाद ये नीचे जो प्लस का साइन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये 3-4 ऑप्शंस आपके सामने क्रिएट हो जाएंगे। पहला ऑप्शन क्रिएट अ शॉर्ट, उसके बाद अपलोड अ वीडियो आएगा, फिर गो लाइव का ऑप्शन है और लास्ट वन जो क्रिएट अ पोस्ट वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे दाएँ साइड पर आपके पास 2 ऑप्शन आ गए हैं। आपने ये लेफ़्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लेफ़्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एड पोल ऑप्शंस के सामने 2 ऑप्शंस होंगे, एक इमेज का और दूसरा टेक्स्ट का। अब अगर आप इमेज के साथ पोल कंडक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऊपर एक सवाल हो, नीचे उस सवाल के रिलेटेड इमेज हो, तो आपने ये पहला ऑप्शन इमेज वाला इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने सवाल लिखना है जहाँ पे लिखा हुआ है आस्क योर कम्युनिटी। यहाँ पे आप अपना सवाल लिखेंगे, जो भी आप लिखना चाहते हैं। और यहाँ पर आपने फ़ोटो ऐड करना है, जहाँ पे ये कि ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है। फर्स्ट फ़ोटो ऐड करने के लिए आपने ये ऑप्शन 1 पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपने गैलरी से फ़ोटो ले लेना है और उसको अपलोड कर देना है। ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेकंड फ़ोटो ऐड कर देंगे, कोई भी आप यहाँ से जो भी ऐड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अगर आप 2 फ़ोटो लगा के सर्वे कंडक्ट करना चाहते हैं तो ये 2 यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में पिक्चर सेलेक्ट कीजिएगा। पर अगर आप चाहते हैं कि आप 4 फ़ोटो के साथ अपना सर्वे कंडक्ट करें तो फिर आपने ऐड ऑप्शंस पे मज़ीद क्लिक कर देना है, ये नीचे 2 ऑप्शंस और आ जाएंगे। अगर आप पिक्चर्स की सूरत में किसी इमेज के साथ सर्वे कंडक्ट करना चाहते हैं तो सवाल के नीचे आप 2 या 4, कम अज़ कम 2 फ़ोटो ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। 4 फ़ोटो ऐड करने के बाद अगर आप 3 भी करना चाहते हैं तो आप 3 भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, ये 3 को ऑप्शन भी आ जाता है। इसी तरह अगर आप इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं तो ये बाल्टी वाले साइन पे क्लिक करके आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन जो भी लिखना चाहते हैं, लिखने के बाद आपने उसको ओके करना है और फिर जहाँ से आपने पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी कम्युनिटी टैब में ये लाइव हो जाएगा और इस सर्वे का रिज़ल्ट आपको परसेंटेज की फॉर्म में मिलेगा। ये है पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है क्रिएट अ पोस्ट के अंदर, जब इस पे आप जाएंगे तो ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन है। अगर आप टेक्स्ट की सूरत में कोई भी सर्वे कंडक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर आस्क योर कम्युनिटी के अंदर अपना सवाल लिखेंगे, जो भी सवाल आप देना चाहते हैं। नीचे ऑप्शन देंगे, ये ऐड ऑप्शन है, फिर ऐड ऑप्शन का बटन है। आप
पांच ऑप्शंस तक ऐड कर सकते हैं। अगर आप दो करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन ऐड करने के लिए ये पहले वाले पे क्लिक करना है, फिर दूसरा ऑप्शन ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आपने तीसरा ऑप्शन भी ऐड करना है तो ऐड अनदर ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसी तरह आप पांच ऑप्शंस तक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब आप अपना ऊपर सवाल लिख लेंगे और नीचे उनके ऑप्शंस दे लेंगे तो उसके बाद आप ये ऊपर जो पोस्ट वाला बटन है, पोस्ट वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है। अगर आप सर्वे के लिए कोई टाइम फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे पब्लिक पे क्लिक करना है। पब्लिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप स्केजुअल टाइम और यहाँ से आप डेट वगैरह सेट कर सकते हैं और यहाँ पे डन पे क्लिक कर सकते हैं। सारा कुछ ओके करने के बाद आपने पोस्ट कर देना है। जैसे ही आप पोस्ट करेंगे तो ये सर्वे आपकी कम्युनिटी टैब के अंदर आ जाएगा और वहाँ पे जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनके सामने ये सर्वे शो होता रहेगा और इसका रिज़ल्ट जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा।